वेल, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सब लोगों के लिए, बिकॉज आप आज सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन। वेल, प्राइस एक्शन को सीखने की हमेशा डिमांड रहती है हमारे चैनल पर, और आज इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप प्राइस एक्शन को सीखने वाले हैं। बिना किसी इंडिकेटर को अप्लाई करें आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन बेसिकली वो ट्रेडिंग होती है जहाँ पे हम किसी इंडिकेटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। हम नेक चार्ट के ऊपर पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं, चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं ट्रेंड को। और ट्रेंड को देखने के लिए हम ट्रेंड लाइंस प्लॉट करते हैं, प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, कैसे उस पर ट्रेडिंग होती है, ये सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, और इसे बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो आज प्राइस एक्शन सिखाने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड है वन एंड ओनली अमित जैन जी, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल हैं, और आज अपने सालों के एक्सपीरियंस से ये आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरीके से प्राइस एक्शन को ट्रेड करना चाहिए, सही तरीके से आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो हियर वी कैन स्टार्ट सर। अपनी बातों को रखने से पहले मैं झुंझुनवाला जी को याद करना चाहूँगा। झुंझुनवाला जी के काफ़ी सारे इंटरव्यूज में झुंझुनवाला जी ने कहा है कि बाजार के भाव और अपनी धर्मपत्नी दोनों को बराबर रिस्पेक्ट करना चाहिए। बाजार के भाव हिस्टोरिकल भाव के आधार पर हमें सब बताते रहते हैं। एक्चुअली बाजार जब कैंडल्स बनाता है या फिर बाजार अपने प्राइस मूवमेंट देता है तो कहीं ना कहीं उस अभी जैसे हम भी बड़े हो रहे हैं तो हम भी अपने पुराने कर्मों, अपने परवरिश, अपने संस्कारों के बेस पे हम आगे एक्शन लेते हैं। वैसे ही ये बाजार है, बाजार ने जो जो प्राइस एक्शन पुराने दिए हुए हैं उसको ही आगे लेके बाजार ऊपर घटत बनाएगा या फिर बढ़त बनाएगा। यानी बाजार अपने पुरानी आदतों को लेकर आगे बिहेवियर कंटिन्यू रखता है। तो हमें वो समझना होगा कि पास्ट में बाजार ने क्या किया है, उसके हिसाब से फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी बनती है। इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यस। और यहाँ पर जैसे अब कई लोग ये भी सोचेंगे कि भाई अभी तो पास्ट डेटा के बेस पर हम फ्यूचर को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, तो उसके लिए भी मैं एक इंडिकेटर की बात करूंगा जो आप में से काफी लोग सुने भी होंगे, जाने भी होंगे, लेकिन अप्लाई कैसे करते होंगे शायद वो नहीं सुना होगा। तो मैं यहाँ पर वो बताने की कोशिश करूंगा। जैसे उस इंडिकेटर का नाम है रिट्रेसमेंट, तो रिट्रेसमेंट थ्योरी के बेसिस पे क्या बाजार का बिहेवियर रह सकता है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई वो इंडिकेटर नहीं है, वो आपको उसे खुद ही प्लॉट करना है और उससे लेवल्स निकालने हैं। तो जो मैंने इंडिकेटर बोला था वो मतलब RSI, MACD वो सब की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर रिट्रेसमेंट का भी इंडिकेटर प्लॉट ऑटोमेटिक फिबोनाची की बात कर रहे हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, हाँ, तो फिबोनाची प्लॉट करना पड़ता है ना सर? नहीं, यहाँ पर अपना जो चार्ट में बनेगा ये ऑलरेडी अपन एक बटन दबाएंगे और वो हो जाएगा। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि उसकी हाई क्या है और उसकी लो क्या है। राइट राइट। तो हाई और लो तो वो हम ही बता रहे हैं ना, वो प्लॉट हमें ही करना होता है, उसे ड्रैग करना है ना। यस यस, जैसे अपन ट्रेंड लाइन को राइट राइट। तो एक तरीके से वो प्री डिफाइंड नहीं है, जैसे लोग इंडिकेटर्स के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा सा अलग है। ओके, समझ गया आपकी बात। जैसे RSI को अपन प्लॉट करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिकली 20, 100, 80 की आ जाएगी। राइट राइट राइट। तो मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसे सीखेंगे कि रिट्रेसमेंट के हिसाब से कैसे ट्रेड करना है। तो हम शुरू कर सकते हैं सर प्राइस एक्शन। ये लोगों को समझ आ गया कि वाइफ की भी रिस्पेक्ट करनी है, प्राइस की भी। जी बराबर है जी। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोगों को चार्ट में लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने चार्ट पर। चार्ट में पहले हम बेसिक चीजें समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। राइट। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सपोर्ट क्या होते हैं। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी या फिर एक बात आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं हमारे, जब हाथी चलता है तो अपने छाप छोड़ के जाता है जी। वो क्या होता है? क्योंकि हाथी के पैर बड़े होते हैं, वो कहीं पर भी रख के जाएगा पैर तो उसके निशान बन जाएंगे। तो ये बाजार एकदम हाथी की तरह हमारे, ये जहाँ जहाँ चलेगा वैसे वैसे अपने निशान छोड़ता हुआ चलेगा। तो बाजार अगर ऊपर चल रहा है और यहाँ पर उसके निशान है बाजार के, तो इसका सपोर्ट की तरह काम करेगा। यानी बाजार ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसके सपोर्ट हो गए, और बाजार अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर कोई निशान है तो वो अपना रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यानी गिरता हुआ बाजार जहाँ रुकता है वो सपोर्ट, बढ़ता हुआ बाजार कहीं रुकता है तो वो रेजिस्टेंस। तो ये एक चीज क्लियर हो गई कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। एक बार मैं भी कई लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश कर देता हूँ, मतलब ईजी रहेगा लोगों को समझने के लिए, कई सारे बिगनर्स भी हैं। तो दोस्तों अगर हम अभी करंट मार्केट की सिचुएशन की बात करें, एक मिनट के लिए इसे मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो अभी बाजार यहाँ पर है, देखिए ये सर ने प्लॉट कर दिया ऑलरेडी, बट अगर हम इसे खुद प्लॉट करते तो हम कैसे करते हैं? तो अभी के लिए अगर हम इस मार्केट को देखेंगे, आप ये देख रहे हो कि प्राइस यहाँ पर इस रेंज में है, ठीक है, प्राइस यहाँ पर है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये होता है कि हमें लास्ट स्विंग को आइडेंटिफाई करना होता है, मतलब मार्केट ने लास्ट स्विंग या फिर लास्ट बाउंस बैक कहाँ से लिया था। तो अगर आप देखेंगे प्राइस ने चढ़ना कहाँ से शुरू किया, प्राइस यहाँ पर लगातार गिर रहा था, फिर यहाँ तक गिरा और फिर इसने चढ़ना शुरू किया,
तो मेरे लिए जो लास्ट स्विंग है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ पे भी प्राइस गिरा ही है, ये गिरा हुआ है प्राइस, क्योंकि ये गिरा हुआ है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो अगर मैं एक बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करूँ, क्योंकि ये 30 मिनट का चार्ट है, तो एक तो सपोर्ट मेरे लिए यहाँ पर हो गया, मैं इसे ऐसे एक लाइन लगा दूंगा। तो अगर ये जो लाइन मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ये वाली चीज़ क्लियर होती है कि ये छोटा स्विंग था, बट मेजर सपोर्ट क्या है यहाँ से प्राइस, ये लॉन्ग टर्म में गिर रहा था और इस एरिया से प्राइस ने बाउंस बैक किया है, तो यहाँ पर सर ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है। अब अगर आप लोग कमाल की चीज़ देखो, ये सपोर्ट जो था ये सिर्फ अभी नहीं था, अगर हम पीछे चले जाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तो इसे अगर आप देखेंगे, अगर हम पीछे जाते हैं तो एक बार प्राइस ने यहाँ पर ऑलरेडी रिएक्ट किया हुआ है, तो प्राइस ने इस एरिया में रिएक्ट किया हुआ है ऑलरेडी एक टाइम पर, तो ये भी हमें पता लगता है कि हिस्टोरिकली ये एक सपोर्ट जोन था, वहाँ पर प्राइस अटका था, उसने वहाँ पर आके सपोर्ट लिया था, फिर वो ऊपर गया था। अब आ जाता है यहाँ से पॉइंट नंबर टू, अगर मैं इसके बाद रेजिस्टेंस की बात करूँ, अगर मैं अभी करंट प्राइस को देखता हूँ, मैं दोबारा से आता हूँ, अगर मैं इसे करंट प्राइस को देखता हूँ यहाँ पर, अगर आप इसे देखते हैं करंट प्राइस को, अब आप ये बताइए कि प्राइस नेक्स्ट कहाँ तक जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो अपने रेजिस्टेंस लेवल पर ही है, क्योंकि अगर लास्ट स्विंग की बात करें तो प्राइस ने कई बार इस जोन में रिएक्ट किया हुआ है। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी कोई लाइन नहीं होती, ये हम लाइन प्लॉट कर देते हैं, ये हमेशा जोन होते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर अगर जोन बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक लाइन हम बना लेते हैं, बट अगर आप अपने लिए बना दें तो आप एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाइएगा, वो बेटर रहेगा आपके लिए। बट अब पॉइंट यहाँ पर है कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था ऑलरेडी, तो यहीं पर प्राइस आके अभी आ चुका है, तो वो अपने रेजिस्टेंस जोन में आ चुका है। अगर यहां से प्राइस तोड़ता है, ब्रेकआउट आता है, तो वो कहां तक जाएगा, वो लास्ट स्विंग तक जाएगा, और लास्ट स्विंग अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप कहोगे ये है। अब कमाल की चीज क्या है, सर ने हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि प्राइस ने इस लेवल को पहले भी रिस्पेक्ट किया हुआ है। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये देखिए सेम, यहां पर भी प्राइस ने रिस्पेक्ट किया हुआ है, तो यहां पर भी एक टॉप बनाया था, यहां पर भी एक टॉप बनाया था, इसे बोलते हैं डबल टॉप। और अगर हम डबल टॉप को ट्रेड करते हैं तो डबल टॉप कहाँ से शुरू हुआ, और उसकी एक नेकलाइन होती है, अब ये एक नेकलाइन है, तो ये जो इतना बड़ा मूव है, ऐसा बोला जाता है कि जो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो प्राइस का डिस्टेंस है, इतना ही मूव लगभग नीचे आ सकता है अगर ये टूटेगा तो जब ये यहाँ टूटा तो ये भी लगभग उतना बड़ा एक डिस्टेंस था, प्राइस के अंदर उतना बड़ा गैप यहाँ पर नीचे भी आया है। तो ये मूव जो होता है, अब ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न हो गया, जिसे हम बोलते हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न। तो अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ डबल टॉप भी हो गया, तो आई थिंक मेरा इतना काफ़ी है बताना, बट अब सर आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने इसलिए बता दिया, कई सारे बिगनर्स होते हैं तो उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस ये छोटी छोटी चीज़ें ना, इसे समझने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है फाइनली, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। वो कैसे होता है कि अगर ये रेजिस्टेंस है, ये टूट गया, ये यहाँ से मान लो प्राइस ऊपर चला गया, तो अब इसका जो सपोर्ट होगा वो यही लेवल होगा पहला, ये सपोर्ट यहाँ पर आके एक बार रिएक्ट कर सकता है प्राइस, और फिर दोबारा से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया, जैसे कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया तो पहले इसने यहाँ पे इस एरिया में एक दो बार रिएक्ट किया, अगर वो टूट के नीचे चला गया तो फिर वो सपोर्ट पे आ गया, बट अगर वो यहाँ पे रिएक्ट करके फिर से ऊपर चला जाता तो ये सपोर्ट था हमारा, ठीक है। तो इसी तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, और जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस भी बन सकता है। कैसे, जब इसने यहाँ पर तोड़ा ये सपोर्ट था, बट जब इसने तोड़ा तो यहाँ पर आके प्राइस को डिफिकल्टी हुई ऊपर जाने में, तो यहाँ से जब प्राइस यहाँ पर गया तो ये रेजिस्टेंस था ना कि सपोर्ट था, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। अगर नए लोगों को एक बार में बात समझ नहीं आई तो वीडियो को कई बार देख लेना, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। कंटिन्यू करते हैं सर प्लीज, थैंक यू। तो आई होप इतना काफी है बताना लोगों को, आप कंटिन्यू कीजिए। आई थिंक मेरे लिए ज्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आपने सभी कवर कर लिया, लेकिन नहीं मैंने तो बस अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बताया, प्राइस एक्शन सिखाया सर पूरा, बहुत बढ़िया बताया आपने। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी आप लोगों को पुष्कर जी ने भी बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनी हुई है। सबसे पहले तो आपको चार्ट की चार्ट को बड़ा बना लेना है, यानी कि जूम इन कर करके आपको ब्रॉडर वे में चार्ट को देखना है। तो आप लोगों को ये एक टॉप आइडेंटिफाई होती है, ये एक टॉप आइडेंटिफाई होती है, फिर यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर एक प्राइज एक्शन हुआ है, यहाँ पर बहुत सारा प्राइज एक्शन हुआ है, यहाँ पर एक बहुत सारा प्राइज एक्शन हुआ है। तो आपने एक ये लाइन ले ली, आपने ये दूसरी लाइन आइडेंटिफाई करके ये लाइन बना ली।
तीसरा आप नीचे देखेंगे, ये तो पहले लाइन अगर हटा भी देंगे अपन तो अब भी अपन यहाँ पर एक बॉटम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तीन यहाँ पर हो गए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी प्राइस ने बहुत रिएक्ट किया हुआ है, और जब यहाँ से टूट रहे थे तो यहाँ पर भी प्राइस ने रिएक्ट किया है, और पुष्कर जी ने यहाँ पर भी आइडेंटिफाई करके बताया था। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन, प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस उसके नीचे है तो वो रेजिस्टेंस है। बहुत बेहतरीन तरीके से बताया आपने इसी चीज़ को, और अगर इसके ऊपर चल रहा है तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हमारे पास तीन लाइन आ चुकी है हिस्टोरिकल बेस पे, और यहाँ पर अपने ऑलरेडी अभी जो बॉटम लगाया करंट बॉटम, और यहाँ पर भी अपनी बॉटम आइडेंटिफाई थी। तो ये हमें प्राइस एक्शन के बेसिस पे ये समझ गया है कि कहाँ कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब हम बात करते हैं चैनल कैसे बनाना है या फिर ट्रेंड लाइन कैसे आइडेंटिफाई करना है, जिससे आप शॉर्टर टर्म में अपने ट्रेड्स निकाल सकते हैं। ये अपने लॉन्ग टर्म प्राइस एक्शन के बेसिस पे लॉन्ग टर्म ट्रेड भी निकलेगा और ओवरऑल मोटा मोटी बाजार की पिक्चर भी समझ जाएगी। चलिए अब हम इसमें एक कमाल की चीज़ क्या थी कि सर ने जो ये हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया है ये 30 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन में बनाया है। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करते हैं, वो होता क्या है, वो ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, बट जब आप एक लॉन्गर टाइम पीरियड पर देखते हो ना तो आपको ये दिखता है कि बड़े टाइम होराइजन पे प्राइस किन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है बड़े टाइम लेवल्स पर। जब छोटे टाइम लेवल्स पर अगर आप 5 मिनट में देखोगे तो आपको सिर्फ इतनी सी पिक्चर दिखेगी, 30 मिनट में आपको इतनी बड़ी पिक्चर दिख रही है, डेली टाइम फ्रेम पे उससे बड़ी पिक्चर दिख रही है, जूम इन जूम आउट करने में प्रॉब्लम जाएगी। यस, तो पॉइंट क्या है, अगर आपने 30 मिनट्स में बना लिया, अगर मैं यहीं पर आपको अगर रिक्वेस्ट करूं सर एक बार 15 मिनट कर दीजिए 30 की जगह जी, तो आप देखिएगा ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जो जोन्स है ना वो लाइंस वही रहेंगी। अगर आप 5 मिनट भी कर दोगे तो 5 मिनट में भी होगा यही कि ये बने रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, कहीं जाएंगे नहीं, तो आपके चार्ट पे ये रहेंगे। लेकिन जो चीज ये यहाँ पर थी हाँ अब वो यहाँ पर आ चुकी है जी, तो हमको इसकी प्रीवियस बॉटम नहीं दिख रही राइट, जहां से हमने दो डॉट्स को कनेक्ट किया था, तो आप इतनी दूर नहीं जा पाओगे। आप क्या सोचोगे यार यही है, यहीं पर मैं इसे सपोर्ट ले लेता हूँ जी, तो आप एक छोटे टाइम फ्रेम पर सोचोगे जी। तो पॉइंट क्या है कि ठीक है वहां पे आपको एक मेजर चीज दिख गई है, बट अब आप 30 मिनट में दोबारा आके अपनी एनालिसिस करा सकते हैं जी। ये आ गई पुरानी बॉटम जी और ये आ गई रीसेंट बॉटम राइट, तो जितना लार्जर फ्रेम रहेगा उतना लार्जर आप लोगों को हिस्टोरिकल डेटा दिखेगा। और मेरे से लार्ज से आप फिर छोटे पे जाइए, छोटे पे जाइए, आप मिनिमम 30 मिनट से शुरू किया, 30 से आप फिर 15 पे आ जाओ, फिर 5 पे आ जाओ, वो चलेगा एग्जैक्टली। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। वैसे तो मैंने हालांकि यहाँ पर डॉट्स कनेक्ट किए हुए हैं, ट्रेंड लाइन ना बड़ी कमाल की चीज होती है। आज हम गाड़ी लेकर जब रास्ते में जाते हैं तो हम सिर्फ रोड को ध्यान रखते हैं कि इस रोड में मुझे गाड़ी चलानी है, अगर आप रोड के बाहर जाएंगे तो पक्का कुछ ना कुछ हादसा हो सकता है। तो हमें ये रोड मैप बना के देती है कि करंट मार्केट प्राइस में बाजार की रोड क्या है, यानी हम अपनी डेस्टिनेशन में सही जगह जा रहे हैं, कहीं गलत रोड तो नहीं पकड़ ली, गलत डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आप ये देखिए इसको ट्रेंड लाइन को बनाते कैसे हैं। तो अब आता हूँ मैं अगले अपने पॉइंट पर जहाँ पर हम लोग ट्रेंड लाइन बनाना सीखेंगे। मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन बनाना सिखाता हूँ और बहुत ही आसान है ट्रेंड लाइन बनाना, ये टूल्स में मिल जाता है ये इंडिकेटर। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में टूल्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है। पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि रीसेंट बॉटम क्या है। रीसेंट बॉटम हमें दिख रही है यहाँ पर, ये एक रीसेंट बॉटम है, इसके पहले कोई बॉटम नहीं है, रीसेंट बॉटम। तो हमें पता चल गया कि बाजार इस सपोर्ट में रीसेंट बॉटम बनाया हुआ है। इस डॉट को कनेक्ट करेंगे हम आगे वाले लोअर लेवल से, लोअर डॉट से। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको लेके आता हूँ और यहां पर लाके, तो ये मोटा माटी ये जर्नी दिख रही है ऊपर से नीचे तक की, परफेक्ट है। चलिए तो ये एक लाइन बन चुकी है, इसको थोड़ा डार्कर शेड दे देते हैं ताकि देखने में आसानी हो। तो सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। मैं यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा आप लोगों को पुष्कर जी, जब मैं टेक्निकल एनालिसिस चालू किया था तब ये सारे इंडिकेटर्स और ये चार्ट्स के लिए हमें ऑलमोस्ट 9-10 हज़ार रुपये पर मंथ पे करने पड़ते थे। अच्छा, आज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो इसको एंजॉय करिए, इसको सीखिए। मैंने ऑलमोस्ट 5 से 7 साल हर महीना 10 हज़ार रुपये सिर्फ इन चार्ट्स को देखने के लिए दिए हुए हैं। क्या बात, बाद में एनालिसिस करना, बाद में टेक्निकल इंडिकेटर्स को एक्सपर्टीज लेना, ये सब अलग है, वो सिर्फ बेसिक कैंडलस्टिक चार्ट्स देते थे। तो आप लोग अपने आप को लकी मानिए जो पुष्कर जी भी आप लोगों को सिखा रहे हैं और ये चार्ट्स भी आप लोगों को फ्री में मिले हुए हैं। तो ये आप लोगों को दिखे, मुझे आज भी याद है सर, जब मैं स्टॉक मार्केट सीखना चाहता था तो उस टाइम पे ऑनलाइन कुछ नहीं होता था जी, तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स होते थे जी, और वो बेसिक चीज़ें सिखाने के 30-40 हज़ार रुपये चार्ज करते थे। ओह माय गॉड, और तब पैसे नहीं होते थे, तो मैंने अपनी लर्निंग बहुत लेट शुरू करी। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरी लर्निंग
बहुत लेट शुरू हुई क्योंकि मैंने फिर स्टॉक मार्केट तब सीखा जब मैंने पैसे कमा लिए लाइफ में, मतलब थोड़े बहुत पैसे आ गए जुड़ गए, तो सोचा यार इसे इन्वेस्ट कहाँ करें, तो तब स्टॉक मार्केट सीखने की इच्छा दोबारा से अंदर से आई। मतलब ये बड़ा डिफरेंट है, लोग यहाँ पर क्या है कि मैं देखता हूँ आजकल की मतलब अपनी जर्नी स्टॉक मार्केट से शुरू करना चाहते हैं और उनके लिए काफ़ी आसान है क्योंकि आज मटेरियल है, आप पढ़ सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो, आप अलग अलग लोगों को एक्सेस कर सकते हो। बट जब जैसे आज आपने इतनी आसानी से बता दिया भैया आप एक लो पकड़िए दूसरा लो पकड़िए उसे जोड़ दीजिए ट्रेंड लाइन है, आज आपकी और मेरी बात हो रही थी, आपने पूछा आपको किसने स्टॉक मार्केट सिखाया और लिटरली मेरे पास कोई आंसर ही नहीं क्योंकि जब मैं ट्रेंड लाइन प्लॉट करना सीख रहा था तो खुद से ही इंटरनेट पर पढ़ पढ़ के कि कैसे होता है चीज़ें, क्योंकि ये भी बताने वाला नहीं था कि भैया दो लोगों को कनेक्ट कर दो तो ट्रेंड लाइन आ जाती है। बराबर है, तो मेरे को कन्फ्यूजन ये होती थी कि यार इस लोगों को कनेक्ट करूं या इस लोगों को कनेक्ट करूं, ये यहां से ये भी तो एक ट्रेंड लाइन है, अब क्योंकि एक लो बन चुका है तो ये भी एक ट्रेंड लाइन है, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना इसे बताने के लिए कोई नहीं होता। और जो बंदा नया नया होता है ना उसको बड़ी डिफिकल्टी आती है। और मेरा फोकस उन्हीं के, देखो आपको कई सारे ऑलरेडी जो प्रोफेशनल्स हैं जो एक्सपर्ट्स हैं वो सुनते होंगे जी, जो ऑलरेडी फुल टाइम ट्रेडर्स हैं वो ध्यान देते होंगे जी। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिगनर्स भी हो सकते हैं जी, जिन्हें हो सकता है कोई खास नॉलेज ना हो और मेरी तरह उनका भी ऐसे ही होगी पैसे नहीं है कैसे सीखे कहाँ से सीखे, तो इस चैनल पर आके वो सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, पुष्कर सर के चैनल पर आपकी कैंडल स्टिक्स पैटर्न पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उसे जरूर देखिएगा, अगर यहाँ पर कोई बेसिक क्लियरिटी नहीं आ रही है बेसिक चीज़ों की वहाँ से सारी मिल जाएंगी। आई बटन पे हम लिंक डाल देंगे, फ्री आई बटन पे लिंक डाल दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा पुष्कर जी कह रहे हैं अभी यूट्यूब में इतना बढ़िया कंटेंट अवेलेबल है, इतना सारा टाइम, इतना इम्पोर्टेंट टाइम अपनी लाइफ का आप लोगों के लिए यहाँ पर डाला जा रहा है, तो इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि लोग ये सब सीख सकें, कहीं ठोकरें ना खानी पड़े किसी को। तो यहाँ पर एक चीज ये बस मैं क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जब मेरे को अपने इनिशियल डेज याद है तो उन्होंने क्या किया, एक जहाँ से मेजर स्विंग आया था तो वो एक लो पकड़ा जहाँ पे जो एक्चुअल लो है, जो आपके टाइम फ्रेम पे चार्ट पे एक्चुअल लो है वो पकड़ लिया, और पॉइंट नंबर टू दूसरा एक करंट लो कौन सा है, तो इस यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस कम हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, अब इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी क्योंकि ये एक मेजर डिप है। अगर ये नहीं बनता, अगर मैं सिर्फ यहीं तक का चार्ट देखता तो मेरी एक ट्रेंड लाइन अलग होती, फिर मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे बना देता। करेक्ट, राइट। तो अगर मेरे पास ये चार्ट नहीं होता, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे खड़ा हूँ अभी मार्केट यहीं तक ही है या यहाँ तक है, तो मैं इसे इस तरीके से कनेक्ट करता। अब आप कहोगे इसे क्यों नहीं कनेक्ट किया, ये बिल्कुल बेसिक बिजनेस के सवाल है सर। तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक लो आ चुका है, अगर ये भी नहीं बना होता मैं यहाँ पर कहीं होता तो फिर मैं सिर्फ इसे ही कनेक्ट करके बैठा होता, और अगर मैं इसे कनेक्ट करके बैठा होता तो यहाँ पर ये मेरा टूट गया था, तो यहाँ पर ये वाली लाइन टूट गई थी, बट क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक लो आ चुका है तो फिर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया होता। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये मेरी ट्रेंड लाइन थी, अगर आप यहाँ पर समझो, तो अगर प्राइस ने इसे तोड़ा तो मेरे लिए ट्रेंड चेंज है, अगर प्राइस ने इस लो को तोड़ा तो मेरे लिए ट्रेंड चेंज है, और ये एक्चुअली हुआ भी होगा ये टाइम पर। yes. इसको तोड़ा और बाजार नीचे गया, बाजार नीचे गया, तो मैं उस टाइम पे यहाँ से यहाँ तक की एक ट्रेंड लाइन बनाता। yes. तो ट्रेंड लाइन इस तरीके से आप नहीं बनाते हो, बट अभी के लिए सर ने बिल्कुल परफेक्ट बोला है कि भाई जो लेटेस्ट लो था आप उसे कनेक्ट कीजिए, जो लास्ट मेजर आप जहां से प्लॉट कर रहे हैं, अब क्या है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगा, अगर इसे ब्रेक करता है देन इट मींस दैट ट्रेंड चेंज, वी कैन कंटिन्यू। यहाँ पर और एक आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, आप लोगों में से काफ़ी लोग ये बोलते होंगे जहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा स्टॉप लॉस ही बाजार में लगा के भागता है। सुना होगा आप लोगों ने भी ये सब। तो आप ये देखिए, ये जो जोन है, ये जो जोन है, ये ट्रेंड लाइन को काटा, सिर्फ फॉल्स ट्रेडिंग होती है यहाँ पर, मोमेंटम अचानक से कोई सेलिंग सेल ऑफ आता है और यहाँ से बाजार उस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो हमें यहाँ करना क्या है, 15-20 मिनट आधा घंटा थोड़ा वेट कर लीजिए, देखिए ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है नहीं कर रहा है। मुझे जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है बाजार का, ये अगर बाजार इसके नीचे भी इनकेस यहाँ पर आ जाता तो उस बाउंस बैक में यहाँ तक जरूर आपको एग्जिट देता वो, राइट। अगर इनकेस टूट जाता तो ये जो सर बता रहे हैं बहुत अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्राइस एक्शन बेस्ड जी, कि अगर प्राइस टूटता भी, मान लीजिए यहाँ से ये टूटा, अब टूटने के बाद क्या होता है, ये सपोर्ट होती है, ये जो ट्रेंड लाइन होती है, एक तो आपकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन चल रही है, ये जो है ये आपके लिए अगेन एक सपोर्ट है।
Yes. तो प्राइस इसको सपोर्ट, आपका प्राइस यहाँ पर गिरेगा, बाउंस बैक ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से गिरेगा तो हम इसे सपोर्ट मान सकते हैं, करेक्ट। बट अब सर ने क्या बोला कि अगर मान लीजिए यहाँ से काटता है ये लाइन ऐसे जा रही है, अगर ये यहाँ पे तोड़ देता है तो फिर अब ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा क्योंकि ये अब रेजिस्टेंस हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका बाई चांस आपको लगता है यार ये स्टॉप लॉस हो गया, तो कई लोग सोचते हैं स्टॉप लॉस हो गया, अरे ये सीधा ऐसे गिर जाएगा। हाँ। अगर मान लीजिए मेजर गया भी तो हो सकता है उतनी स्पीड से बाउंस बैक करने की कोशिश करे और ये अपनी जो ऊपर की लाइन थी उसे एज अ रेजिस्टेंस आपको वहां से बाउंस बैक दोबारा से दे जाए। एक बात और ऐड करना चाहूंगा, आपने लिख रख लीजिए। ओ मैंने हटा दिया था गलती से, कोई बात नहीं, ये ले लीजिए आप, कोई बात नहीं। तो सपोज जैसा पुष्कर जी ने बताया कि बाजार अगर यहाँ से ऐसे ऐसे गिर भी जाता, टीवी मीडिया में आप लोगों ने, दूसरों के चैनल में आप लोगों ने, एनालिस्ट लोगों को आप लोगों ने सुना होगा बाजार यू टर्न मारना चाहिए यहाँ से, सुना होगा ये टर्म, क्यों बोला जाता है, हम इसको एकदम प्रैक्टिकली बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ से बाजार अगर यहाँ पर डिप मार चुका है तो बाजार यहाँ पर सपोर्ट लेने का एक्सपेक्टेशन है और यहीं से बाजार की यू टर्न एक्सपेक्टेशन बन जाती है इस ट्रेंड लाइन तक आने की। इसी वजह से आप लोगों को एनालिस्ट कहते हैं कि बाजार में यू टर्न और शार्प रिकवरी पॉसिबल है या एक्सपेक्टेड है। अबे आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि बाजार में डर तो नहीं रहेगा जब आप एजुकेट हो जाएंगे, जब आप प्राइस एक्शन को समझ जाएंगे, जब आप प्राइस बिहेवियर को, हिस्टोरिकल डेटा को, सबको कनेक्ट करेंगे, तो मुझे लगता है वो डर वाला फैक्टर तो हट जाएगा। तो अभी हमने बॉटम को आइडेंटिफाई किया है, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे टॉप को। तो अब आपको ये चार्ट में टॉप कहाँ दिख रही है, पक्का आपकी नज़र वहीं जा रही होगी, कहाँ, यहाँ, ये रीसेंट टॉप है अभी की। तो अब हम इस टॉप का उपयोग करके, इस टॉप को यूज़ करके हम एक चैनल क्रिएट करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि बाजार का रेंज क्या है मोटा माटी। तो अभी चलिए मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन, एक चैनल बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमें अब एक चैनल मिल चुका है बाजार का, जो बाजार को अपर साइड में कहाँ तक लेके जा रहा है और लोअर साइड में कहाँ तक लेके जा रहा है। लेकिन ये चैनल हमेशा कंटिन्यू तो नहीं रहेगा, बाजार में बड़े मूव, अपसाइड और डाउनसाइड दोनों आते रहते हैं और हमें दोनों को आइडेंटिफाई करना है क्योंकि हम तो ट्रेडर हैं, बाजार में ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है, बड़े मूवमेंट को भी आइडेंटिफाई करना है और गिरते हुए मूवमेंट को भी आइडेंटिफाई करना है, किसी भी बाजू के मूवमेंट हो। तो दोस्तों जब भी ये चैनल ब्रेक होता है, मान लीजिए ये प्राइस एक्शन जब यहाँ से ऐसे आता हुआ यहाँ पर आके रुक जाता है, यानी बाजार को अब यहाँ पर दो सपोर्ट हो गए, एक तो इस चैनल का सपोर्ट बन जाएगा क्योंकि चैनल को ब्रेक कर चुका है और ये हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस भी था जो आगे जाके सपोर्ट बन जाएगा। तो आपके पास स्ट्रेट अवे यहाँ से लेके यहाँ तक का कैपिटलाइज करने का मार्केट का मौका देता है, यानी आप 44,600 से 46,300 तक की मोटा मोटी 1400-1500 पॉइंट की रैली कैपिटलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली डाउन साइड अगर चैनल ब्रेक होता है, ये चैनल मान लीजिए आप, ये चैनल यहाँ तक यहाँ से ऐसे कंटिन्यू करेगा, अगर बाजार ने इसको तोड़ा तो ये जो जोन है ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा और इसको तोड़ दिया तो फिर तो सोने पे सुहागा, कन्फर्मेशन मिल जाएगी। और अगर इसको तोड़ा तो बाजार के टूटने का पोटेंशियल सीधे 42,000 तक मिलेगा, लेकिन चैनल के ब्रेक होने के बाद। तो आप लोगों को यहाँ से दो स्ट्रैटेजी और दो प्राइस एक्शन समझ में आते हैं, एक तो चैनल का अपर साइड ब्रेक हो रहा है तो आपको ऊपर की मूवमेंट मिल रही है, तो ये चैनल का अपर साइड ब्रेक हुआ तो बाय करके काम करना है, चैनल लोअर साइड में ब्रेक हुआ तो सेल करके काम करना है। और हिस्टोरिकल चार्ट आप लोगों को लंबे समय की अवधि के लिए बाजार की टेंटेटिव रेंज बता के चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमने ये समझा कि बाजार में चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, बाजार की चैनल टूटने पर क्या करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स और ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पर बंद तो बहुत सारी लाइनें सकती हैं। अब आप बोलोगे कि आप इसको इनको कनेक्ट कर दो, आप बोलेंगे कि आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर दो, लाइनें बहुत बन जाएंगी, लेकिन जिस पे कन्विक्शन, जितनी कम लाइन रहेगी उतना अच्छा कन्विक्शन रहेगा आपका, उतनी अच्छी क्लैरिटी रहेगी। अभी आप ही सोचिए, अगर कार में दो स्टेयरिंग रहेंगे तो कार क्या बेटर तरीके से चलेगी, कभी लेफ्ट से चलाओगे कभी राइट के स्टेयरिंग से चलाओगे, परफेक्ट नहीं हो पाओगे। कम लाइनें ड्रॉ करिए जिसमें आपका कन्विक्शन है ताकि कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो, डर कम हो, डर कम होगा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, पैसा अपने आप बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने चैनल बनाना सीख लिया, सपोर्ट आइडेंटिफाई करना सीख लिया, रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना सीख लिया, चैनल के ब्रेक होने पर कितनी बड़ी मूवमेंट को कैपिटलाइज कर सकते हैं उसका विजन देख लिया। तो अब आई होप कि आप लोग इस चार्ट पैटर्न के माध्यम से पैसा तो बनाने वाले हैं आगे, और पैसा बनाएंगे तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी
अगर आप लोगों को कैंडलस्टिक्स पैटर्न समझने हैं तो पुष्कर जी की पुष्कर जी के चैनल पर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट में कैंडलस्टिक्स के ऊपर पूरा कोर्स है, उसे जरूर देखिए। वह फ्री में आप एक्सेस कर सकते हो, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। वाओ, फ्री में जो हमें कभी नहीं मिला। तो आई होप कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। तो दोस्तों, हमने शुरुआत में एक फिबोनाची की भी बात की थी, अब हम उसे दो तरीके से यूज करना सीखेंगे कि बाजार अगर यहाँ पर रिट्रेस करते हैं या फिर कोई करेक्शन ट्रिगर करते हैं तो कहाँ तक टूट सकते हैं, और अगर बढ़ते हैं तो बाजार कहाँ तक बढ़ सकते हैं। राइट, तो चलिए मैं आप लोगों को दोनों फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो पहले तो हम इस टॉप को पकड़ेंगे, क्योंकि रीसेंट टॉप ये है और रीसेंट बॉटम ये है, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत मददगार है। आप इस वीडियो को कुछ टाइम के बाद देख रहे हो, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद देख रहे हो, तो डू नॉट वरी। आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस तरीके से करते हैं। अब ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का अभी का चार्ट है, आप जब भी देख रहे होगे तो उस चार्ट में भी इसी तरीके से आपको हाई और लो आइडेंटिफाई करना है। एवरग्रीन, कभी भी आप कोई भी टॉप को आइडेंटिफाई कर लीजिए जो रीसेंट टॉप है, और कोई भी उस समय की, जब भी आप देख रहे हैं उस समय की बॉटम को आइडेंटिफाई कर लीजिए और उस हिसाब से रिट्रेसमेंट को अप्लाई कर दीजिए। तो ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर सब फ्री में अवेलेबल है आप लोगों के पास, जो हमारे पास नहीं हुआ करते थे, लाभ उठाइए इसका। ये देखिए, मैंने फिबोनाची यहाँ से सिलेक्ट किया और इस टॉप को पकड़ा, इस बॉटम से कनेक्ट कर दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम इसे टॉप से बॉटम लेके जा रहे हैं तो अभी रिट्रेसमेंट की जगह हम एक्सटेंशन देख रहे हैं, तो वो ऊपर के लेवल्स बताएगा कि कहाँ तक जा सकता है। यस, तो अब यहाँ देखिए, बड़ा ब्यूटी देखिए लेवल की, इसे आप आगे तक ले जाइए, मैं यहाँ से ले जाता हूँ, वेट कीजिए, मैं यहाँ से ले जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये टूल्स सारे एक दूसरे को कैसे वैलिडेट करते हैं, यही चीज आप लोगों को सीखनी है और इसी से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होगा। राइट, यहाँ पर देखिए, ये दोनों ऑलमोस्ट आसपास हैं, इसका मतलब बाजार अगर यहाँ से यहाँ तक गए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेंगे, तो अगर आपने कोई लोअर लेवल में पोजिशन बिल्ट अप की है इस टारगेट के लिए तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। और अगर ये ब्रेक हो जाता है और बाजार की स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है इस पॉइंट पे, तो आप लोगों के लिए ऊपर के भी टारगेट ओपन करके देती है। ये देखिए 49,000 तक का पोटेंशियल दिखा रही है, तो आप बताइए 46,300 से 49,000 तक का टारगेट दे रही है, तो आपके सामने ये रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन आप लोगों को ऊपर के ब्रेकआउट पे भी पॉसिबल टारगेट दे देता है। और ये हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। yes. तो ये भी फिबोनाची एक्सटेंशन हमने यूज़ की, एक बार हम इसका रिट्रेसमेंट भी आपको दिखाते हैं कि अगर बाजार गिरता है तो फिर वो कहाँ तक गिर सकता है। तब उस केस में हम लोअर बॉटम से हाई पे जाएंगे। राइट, तो हमारे नीचे के लेवल्स आ जाएंगे। तो इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को दूसरी तरह से इसको प्लॉट करना बता रहा हूँ। वापस से हमें टूल सेक्शन पे जाना है, रिट्रेसमेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट करना है, और इस बार बॉटम से हम हाई पे जाएंगे। ये बॉटम से हाई पे आ गए, तो आप देखिए, करेक्ट है। अब आप ये देखिए, ऊपर के टारगेट हट गए, नीचे कहां तक करेक्ट कर सकता है बाजार वो हमें पता चल गया। और यहां पर इसको थोड़ा सा और मैं ब्रॉड करना चाहूंगा, ताकि यहां पर मैं एक चीज बता देता हूं, यहां पर जो 786 का फिगर है ना, 0.786, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल होता है। परसेंटेज वाइज भी अगर आप देखेंगे वो 78% के आसपास है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इम्पॉर्टेंट जोन्स होते हैं, जो लिखा हुआ है 0.236, 0.382, 0.5, तो सबसे मैक्सिमम हम कहते हैं अगर करेक्शन आएगी तो वो 786 वाले लेवल तक आएगी, 0.786 यहाँ तक आ सकती है। राइट, और अभी स्टार्टिंग में अगर यहाँ से गिरता है तो फर्स्ट लेवल हमारा यहीं पर है और ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो 0.236 जो है ये अभी एक करंट सपोर्ट हो जाएगा। और देखिए ना, रिसेंटली आज भी जो करेक्शन आया बाजार का वो एग्जैक्टली इसी लाइन के आसपास तक आया हुआ है। इस चैनल को ब्रेक नहीं किया, बाजार ने यहाँ से करेक्शन दिया, एग्जैक्टली जो पुष्कर जी कह रहे हैं यहाँ तक करेक्ट करके वापस बाउंस बैक दिया। तो आपने देखा, बाजार ने अभी रिसेंटली हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके बराबर यहीं तक करेक्ट किए हैं और यहाँ से वापस बाउंस बैक दिए हैं। तो आप लोगों को रिट्रेसमेंट ये बताता है कि बाजार कहाँ कहाँ तक गिर सकते हैं। जैसा पुष्कर जी ने बताया, बेस्ट पॉसिबल केस 0.786, मैक्स पॉसिबिलिटी बाजार की यहाँ तक करेक्ट करने की है। लेकिन अगर साथ ही साथ ये हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस कट गया तो आपके पास 49,000 का भी टारगेट दे रहा है। राइट, तो अब मैं लिए चलता हूँ आप लोगों को बैक पेज पे। तो बाकी अगर आपके और कोई सवाल हैं तो आप लोग
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क करके एडवाइजरी के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो ऑप्शंस के सारे कॉल्स दिए जाते हैं। जी हाँ, सब कौन सा पी लेना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस का सी लेना है, विथ स्टॉप लॉस, विथ टारगेट, विथ टाइमली एग्जिट, सब दिया जाता है। नंबर पे फोन करके इंक्वायरी करें और साथ ही साथ इंटेलिसेंस करेंसीज भी इंक्लूड करता है अपने सारे प्लान्स में, कमोडिटीज भी इंक्लूड करता है जिसमें क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक और इनके भी कॉल ऑप्शन के ट्रेड दिए जाते हैं। तो बिना देरी किए जरूर फोन उठा के फोन करें। सी, मेरे हिसाब से अगर आप किसी की एडवाइजरी लेते हैं तो ये जरूर चेक कर लीजिए कि वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है। यहाँ पे हमें जी सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है। इनफैक्ट हम इस प्लेटफॉर्म पे कोशिश और प्रयास यही कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ वो लोग कनेक्ट हों जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। तो अगर आपके लिंक में भी कोई ऐसा इंसान है जो सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे मैं एक फॉर्म भी दे दूंगा तो आप लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आके, आपके पास अगर कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, जैसे सर ने यहाँ पर आके जो अपनी एक्सपर्टीज़ है आप लोगों के साथ शेयर करी, उससे आई होप आपको सीखने को मिल रहा होगा। तो अगर कोई और भी व्यक्ति हैं जो इस चैनल पर आना चाहते हैं और हमारा कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है यहाँ पर, तो आप आना चाहें, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करना चाहें तो आके ज़रूर आप कर सकते हैं। तो आपको एक गूगल फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको अपने बारे में कुछ डिटेल्स देनी होंगी, अपना सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा और हमारी टीम उसे वेरीफाई करेगी, फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकती है। तो यू कैन डेफिनेटली फिल दैट फॉर्म। फाइनली, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल सा आपके पास मीडियम है, अपना लाइक दे दीजिए जिससे हमें थोड़ा बूस्ट मिलता है, और शेयर कीजिए हर प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे भी आप मौजूद हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अभी एक पावरफुल वीडियो जिसमें आपको जितनी चीज़ें अभी तक सीखी है उनका कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ करना है वो मिलने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसका आप लोगों को इंतजार ज़रूर होना चाहिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।